हे गाइस, वेलकम बैक टू द सातु के आर्ट स्टूडियो। तो आज हम लोग बनाने वाले विराट कोहली का ये वाला स्केच दोस्तों, जो कि मैंने पहले ही बना दिया था। तो गाइस, अब यहाँ के जो पीछे के बॉक्स है सारे इरेज कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद में यहाँ पे फाइबर कैस्टर की, जो कि मैं नई पेंसिल लाया हूँ, उसका यूज़ करके हम लोग ट्रायल करते हैं कि किस तरह से रियलिस्टिक आर्ट बन सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत ही स्लोली वर्क करने वाला हूँ, और जो भी क्वेरीज है यानी कि करेक्शन है वो भी मैं करता रहूँगा इसमें, जिस तरह से पिक्चर बनेगा उस तरह से शेडिंग के साथ साथ मैं उसके करेक्शन भी इसके अंदर करता रहूँगा दोस्तों। तो सारे बॉक्सों को मैं मिटा लेता हूँ पहले, जो कि मैं आपको आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी बॉक्सेस को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम लोग अब पिक्चर के अंदर शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, मैं अब यहाँ पे कुछ अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैंने आज ही ऑनलाइन से फाइबर कैस्टल की 9000 वाली पेंसिल को मंगवा दिया था, और इसे मैं आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत ही खूबसूरत पेंसिल है, ग्रीन कलर की पेंसिल है इसके, और ग्रेफाइट पेंसिल है दोस्तों। इसमें एच बी है, 2B है, 4B है, 6B है, 8B है, सबसे गाढ़ वाली पेंसिल। बहुत ही स्मूथ पेंसिल का इफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी करेक्शन आप अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे पिक्चर को करेक्शन करूँगा, क्योंकि ये अभी फाइनल नहीं है, तो ये स्टार्टिंग है। और आज हम लोग सिर्फ इनका फेस ही बनाएंगे, और ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा ही बनेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए दोस्तों, आगे हम लोग अपना पिक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। फिलहाल दूसरे पार्ट्स को हम लोग
कैरी ऑन कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आइस को लास्ट में देख लेंगे दोस्तों। लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गाइस देखिए, इस तरह से हमारा पिक्चर का फेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब देखिए दोस्तों कि मुझे यहाँ से पूरा वर्क कंप्लीट करना है, तो हमें ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए विराट कोहली की आइस को मैंने थोड़ा करेक्शन दिया है, और अब कैसा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिक्चर ही ऐसा है जो कि मैंने थोड़ा आउट। सेकंड पार्ट के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट भी डाउन अपलोड कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।